हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, मैंने सोचा कि ना आपको यहाँ की भी वीडियो दिखाई जाए। मैं आज अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी तो काफ़ी सब्जी लगी हुई थी उसके गार्डन में, और ये देखिए लौकी लगे हुए हैं। और दो लौकी जब मैं गई तो माली पहले तोड़ चुके थे, और काफ़ी सारे देखो लेमन लगे हुए हैं। और वैसे तो आज मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बहुत गर्मी थी, लेकिन सुबह बादल बने हुए थे और जैसे ही मेरा टाइम लगा वहाँ पर जाने के लिए तो बादल भी चले गए और तेज़ धूप निकल आई। फिर चलो आज मैं आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाती हूँ कि क्या क्या सब्जी में लगाया हुआ है। ये करेले हैं, काफ़ी करेले की बेल फैली हुई है और बहुत सारे करेले आ भी रहे थे, और क्योंकि तेज़ धूप थी तो इस वजह से अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ। और ये है पेठे की बेल जिस पर बहुत सारे पेठे आ भी रहे थे छोटे छोटे, और काफ़ी सारे फूल भी आ रहे हैं। और ये सब होने के बाद मैं वैसे गई तो थी कड़ी पत्ते के लिए जो कि मुझे लेकर आने थे। आज मुझे कड़ी पत्ता लगाना था, मैं लगा तो बहुत बार चुकी हूँ लेकिन कोई ना कोई ले ही जाता है जो मेरे घर पर आता है। तो उन्होंने बहुत सारे मुझे प्योर निकाल कर दी है। माली कहने लगे कि आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हो, नहीं तो मैं सब की गुड़ाई खुदाई करके फेंक देता, जो एक्स्ट्रा होते हमें करना ही क्या है। और आखिरकार देखो मैं अपने घर आ ही गई हूँ, वाकई बहुत गर्मी है। चलिए तो फिर आज कड़ी पत्ते को ही लगाया जाए। और बहुत जगह से फ़ोन भी आए हुए हैं कि हमें कड़ी पत्ते का पौधा चाहिए, तो चलो फाइनली आज मैं ले ही आई हूँ। और ये थोड़ा खाद आज गीला हो गया था क्योंकि आज मैंने गार्डन की पौधों की धुलाई की थी तो इसमें पानी चला गया था, लेकिन मैंने इसको फैला दिया था, फिर भी इतना सूखा नहीं है, गीला ही है। खैर कोई बात नहीं है, और आपने देख तो लिया ही है कि ये खाद 1 किलो होगा और बाकी की 2 किलो मैं इसमें मिट्टी इसमें मिक्स करूंगी। और ये मिट्टी जो है मेरे पार्क की है, थोड़ी सी ये रेतली है तो मुझे इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम ये 2-3 ही चीज़ मिक्स करेंगे कड़ी पत्ते को लगाने के लिए। भी पौधा अगर आप रेतली मिट्टी में लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और थोड़ा सा उसमें खाद मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। अगर आप पौधा चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, और जो उस पौधे की रूट्स होती हैं वो फैलती नहीं है, आपका पौधा छोटा ही रहता है। ख़राब तो नहीं होता है लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती। कड़ी पत्ते के लिए हमारी सॉइल मिक्स तैयार हो गई है, और एक एक करके मैं इसमें कड़ी पत्ते अभी सारे इसी में ही लगाऊंगी क्योंकि अभी पॉट खाली नहीं है और मेरे पास है भी नहीं है। ऊपर टेरिस पे मेरे खाली पॉट बहुत सारे रखे हुए हैं, तो कल लेकर के आऊँगी या शाम को फिर अलग अलग करके मैं इन्हें लगाऊँगी। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें पानी में रख दो और वो ख़राब नहीं होते हैं, 1-2 दिन चल जाते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते का पौधा तो ऐसा है अगर मैं इसे पानी में भी रखूँगी तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं इस पॉट में सारे ही ये प्लांट लगा दूँगी और पानी डालकर छोड़ दूँगी, और जब मैं फ्री होंगी या मेरे पास पॉट होंगे, अभी मिट्टी भी कम है, जब मिट्टी भी आ जाएगी तब अलग अलग करके मैं इन्हें पॉट में लगा दूँगी। वैसे तो मैं सुबह के टाइम या शाम को लगाती हूँ, लेकिन आज दोपहर हो रही है और माली भी दोपहर में ही आए थे तो मुझे कड़ी पत्ता दोपहर में लगाना पड़ा, तो इसे छाया में रख देते हैं क्योंकि धूप आई तो सारे पौधे मुरझा जाएंगे। और ये 2 पौधे बचे हैं, इनको मैं फ़िलहाल यहाँ पर लगा देती हूँ, यहाँ पर धूप भी बहुत कम आती है तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। और ये जो आप चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे गार्डन में रहने आई है, अभी 2-4 ही दिन हुए हैं लेकिन बोलती बहुत है और इसकी आवाज़ भी बहुत तेज है, लेकिन जब बोलती है चुप नहीं होती है, बहुत तेज बोलती है। तो ये लीजिए मेरे दोनों प्लांट लग चुके हैं, और जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं इन्हें अलग अलग करके शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने इस पॉट में पानी डाल दिया था और देखिए पानी की बूंद भी नहीं बची है, और यहीं पर रखूंगी मैं इस प्लांट को क्योंकि अभी यहाँ पे छाया है तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। और ये कुछ प्योद मैंने टमाटर की तैयार की है, देखो कितने अच्छे से हो गई है, फ़िलहाल मैंने इसमें 2 ही छोड़ी हैं, बाकी की मैंने इधर उधर शिफ्ट कर दी हैं। और थोड़ा सा टमाटर का पीस मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ था, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी प्योद तैयार हो गई है।
अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, वो खत्म हो रही है, तो इस वजह से मैं ये टमाटर की जो छोटे छोटे सी प्योद है मैं अलग नहीं लगा पाई हूँ। अभी फिलहाल खाद और मिट्टी सभी कुछ खत्म है, और जब मिट्टी खाद आ जाएंगे तब ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सभी टमाटर को अलग अलग पॉट में शिफ्ट करूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।